नमस्कार, न्यूज डंका में आपका स्वागत है। आज वार्तालाप के विशेष कार्यक्रम में हमारे साथ है राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग के उपाध्यक्ष अरुण हल्दर जी। अरुण जी नमस्ते, न्यूज डंका में आपका स्वागत है। राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग जो है महाराष्ट्र में फिलहाल जो कुछ घटनाएं हो रही है उसकी वजह से बहुत चर्चा में है, तो वहां जाने से पहले मैं राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग की कार्य क्या है, किस प्रकार से काम चलता है, उसके बारे में थोड़ा आपसे जानना चाहूंगा। देखिए, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग इसलिए गठित हुआ है, अभी भी हमारा देश में हमारे अनुसूचित जाति वर्ग का लोगों का कोर्ट जाने का बहुत रास्ता नहीं है। उन लोगों के पास इतना पैसा नहीं है जाके हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, कोई भी कोर्ट में जाएगा। तो राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग इतना सहज पद्धति में एक सिंपल एक व्हाइट पेपर में उसका कंप्लेन इसमें दर्ज कर सकता है। उसके बाद अगर लगेगा जो कंप्लेन हम लोगों का लगेगा जो सही है, इसका ऊपर कार्रवाई हो सकता है, तो उसके बाद हम लोगों को नोटिस भेजते हैं आधिकारिक लोगों को। फर्स्ट नोटिस, सेकंड नोटिस जाने के बाद वो लोग जो रिप्लाई देता है कुछ लोग नहीं देता है। रिप्लाई देने के बाद हम लोग फिर जिस कंप्लेन है उसके बाद भेजता है, देखो तुम्हारा जो कंप्लेन किया ये आधिकारिक लोगों ने ये तुमको रिप्लाई दिया है। तो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम में वो रिप्लाई पसंद नहीं होता है, सो फिर रिजॉइंडर देता है वो लोग। रिजॉइंडर देने के बाद हम क्या करते हैं, शॉर्ट नोटिस में उसको एक हियरिंग करता है। जैसे कोर्ट में जिस टाइप का हियरिंग होता है उसी टाइप से हियरिंग होता है। आर्टिकल 338 में कमीशन के ऊपर कमीशन का हर मेंबर का पास जुडिशियल पावर दिया है, और जुडिशियल पावर के अंदर में कोई कंप्लेन का अगेंस्ट में किसी का आधिकारिक अप टू सेक्रेटरी लेवल तक आधिकारिक को हम लोग नोटिस भेजता है, नोटिस एक्शन टेकन रिपोर्ट मांगता है। अगर वो नहीं देता है तो उसके बाद हम लोगों के पास पावर है उसके बाद समन भेजना। समन भेजने के बावजूद भी वो नहीं आएगा, अटेंड नहीं करेगा, इग्नोर करेगा कमीशन को, तो हमारा पास लास्ट हमारा हथियार है उन लोगों को अरेस्ट वारंट निकल के हमारा कमीशन के अंदर हाजिर करने का प्रावधान हमारा पास है। तो इसी कारण से कमीशन को सारे आधिकारिक लोग मानता है। और हमारा जब भी अभी तक ऐसा परिस्थिति नहीं हुआ जो किसी को अरेस्ट करने के हम लोग लेके आना, तो ज्यादा से ज्यादा अधिकारी लोग इस विषय पर सचेतन है। कुछ भी कंप्लेन उनसे जाति वर्ग की तरफ से हमारे ऊपर आता है तो हम लोग को पास वो लोग जवाब देता है और हायरिंग में हाजिर हो जाता है। इस टाइप का पिछले 7-8 महीने में हमारा कमीशन गठित हुआ है। तो मेरे ऊपर जो जिम्मेदारी है 10 मिनिस्ट्री मेरे पास में है। मेरा अनुभव ऐसा लगा जिस काम में आने का बाद मेरे को लगा है कम से कम 29 लोगों को जिसका किसी भी कारण से उन लोगों को नौकरी से निकाल दिया था, डिसमिसल कर दिया था। तो मेरा बहुत अच्छा लग रहा है, आपको माध्यम से मैं बोलना चाहता हूँ, सिर्फ एक कंप्लेन के आधार पर हम लोग जांच करने के बाद 1 महीना 2 महीना 3 महीने के अंदर कम से कम 29 लोगों को मैं चाकरी को फिर रिस्टेंट कर दिया और उस लोगों को नौकरी मिल गया और लोग बच गया और उसका आशीर्वाद मेरे को अभी मिल रहा है। बहुत बढ़िया। महाराष्ट्र में अभी बहुत बहुचर्चित एक प्रकरण है, नार्कोटिक कंट्रोल ब्यूरो के जो जनरल डायरेक्टर है समीर वानखेड़े जी का, तो उन्होंने भी आपके पास अप्रोच किया था, कुछ कंप्लेंट फाइल किया था उनकी कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में, कोई विषय महाराष्ट्र में जो उठाया गया है उसके बारे में वो आपके पास आए थे, तो उनके बारे में बताइए कि क्या विषय है वो। देखिए, अभी समीर वानखेड़े का विषय पर लेके केस तो अभी सब जुडिस हो गया जी, इसी विषय पर मीडिया में बात करना मेरे को अभी ठीक नहीं लगेगा। तो पिछले जो बात है उसी विषय पर दूसरा बात आपको बोल सकता है जी, जैसे हमारा वो सब जुडिशियल मैटर में भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसी हिसाब से आपको बोल रहा है। वो लोग जिस टाइम से हमारा कमीशन के पास आया है वो समीर वानखेड़े नहीं, किसी भी व्यक्ति हमारे पास आता है तो उसका विषय पर हम लोग उन्हें सुनवाई करते हैं, कार्रवाई करते हैं। तो इसका ऊपर उन्होंने जब मैं मुंबई आता है मैं ऐसे ही अनौपचारिक रूप से वो लोग मेरे पास आके मिला है, तो मिलने के बाद वो सारे सर्टिफिकेट मेरे को दिखाया है। देखने के बाद मैंने उनको कहा है, सबको मीडिया के माध्यम के अभी सुना है, जो 34 साल में इस फील्ड में मेरे के काम करने का अनुभव में मेरे को लगा है कोई जोनल डायरेक्टर लेवल का कोई अधिकारी कमीशन का सामने फर्जी सर्टिफिकेट नहीं दे सकता है, क्योंकि क्यों देगा वो सर्टिफिकेट, जानबूझ के क्यों अपना घर में उनको विपद लेके आएगा, क्योंकि अगर वो जानता है कमीशन के सामने हम फर्जी सर्टिफिकेट दाखिल करेगा तो मेरी नौकरी चला जाएगा। मैं इसी के आधार पर उसके उससे भी बताया था, जो कोई अधिकारी ऐसा झुकी नहीं लेगा, जरूरत ही नहीं है, अगर उनको फर्जी सर्टिफिकेट भी लगेगा किसी को तो दिलाने की जरूरत ही नहीं है। इसी आधार पर मेरे को लगा है जो फर्जी सर्टिफिकेट नहीं दिया, वो उनका पिताजी का सर्टिफिकेट देगा, पिताजी का भी वो सर्टिफिकेट है, उन्होंने नौकरी भी किया है, तो एक गवर्नमेंट नौकरी किया है इतना साल रिटायरमेंट करके पिताजी, तो मेरे को लगा है वो सर्टिफिकेट
सही लगा है, और बाद में मैंने ये वो जजमेंट का बाद ही हम लोग पता चलेगा, महाराष्ट्र गवर्नमेंट को हम लोग ने उसी विषय पर जांच करने के भेजा है, तो उनका समय सीमा फर्स्ट समय सीमा पार कर गया है, सेकेंड नोटिस उनको दिया है जिसका क्या है, आप साज तो साज बताओ, नहीं झूठा है तो झूठा बताओ, रिपोर्ट भेजो। तो अभी तक उन लोगों ने रिपोर्ट नहीं भेजा है, तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं जिसके अंदर में भेजेगा, अगर नहीं भेजेगा तो जो कानूनी प्रक्रिया है उसके अंदर महाराष्ट्र गवर्नमेंट का अधिकारी लोग को हम लोग हियरिंग में बुलाएंगे, सुमीर वांगकर को बुलाएंगे, उसके सामने कोर्ट में हमारा पेश करेंगे क्या क्या उनका सबूत है, उसके आधार पर हम जजमेंट देंगे सर्विस सही है कि नहीं है। दूसरी नोटिस के बाद क्या प्रक्रिया होती है? दूसरी नोटिस के बाद हम लोग उस लोगों को नोटिस मैंने हियरिंग के लिए बुलाएंगे दिल्ली। अच्छा, जो लोग अधिकारी की जांच करने का कमेटी में है, जैसे हम लोग उसको चीफ सेक्रेटरी जिम्मेदार बनता है ज्यादा से ज्यादा, तो इसी लेवल का अधिकारी हम लोग बुलाते हैं। मेरे ख्याल से महाराष्ट्र से जैसे ये विषय आया, देश भर से आपके पास अधिकारियों के विषय आते रहेंगे, और उनमें क्या समानता होती है या अलग अलग प्रकार की ये होती है शिकायतें? देखिए, ये महाराष्ट्र में कुछ दिन पहले इसी समीर वांगकर का घटना का कुछ दिन पहले साकी नाका में जो रेप हुआ था, रेप एंड मर्डर हुआ गया था, उसी में कार्रवाई करने के लिए मैंने गया था। अच्छा, और उसके बाद मैंने जाके सारे लोग पॉलिटिकल लोग भी उसमें भीम अमरी बहुत सारे दो बीजेपी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन से वो लोग धरना दे रहे हैं मेरे साथ। मैंने साफ एक बात बोल दिया था कि किसी के अनुसूचित जाति वर्ग को पीड़ित लोग को लेके कम से कम आप लोग राजनीति मत कीजिए, इसमें राजनीति खोना नहीं दूंगा। वो जो बात मैंने बताया था वो बात इधर का गवर्नमेंट का प्रशासन को अच्छा लगा था, उसी हिसाब से माननीय मुख्यमंत्री जी मेरे से समय मांगा था, तो उन लोगों आधिकारिक लोगों से मिला है, मैंने बहुत कुछ सुझाव भी उन लोगों को दिया है। देखिए, अभी वो अनुसूचित जाति वर्ग हो और नहीं भी हो, अभी कितने सारे महिलाओं को महाराष्ट्र मुंबई शहर में अभी भी फुटपाथ में सोने के लिए मजबूर हो जाता है। अगर वो लेडीज अगर वो रात 12 बजे 1 बजे फुटपाथ पे नहीं सोता तो आज ऐसा घटना नहीं होता था। तो मैंने उनको सुझाव दिया था, जो एक डेटा आप लोग बनाइए आपका ग्रास रूट तक सर्वे करके, जो कितनी महिलाओं आज भी इसी टाइप से सोने के मजबूर होता है, तो उसके ऊपर एक योजना बनाइए। बहुत सारे योजना है, अगर उस लोगों को प्राइम मिनिस्टर का जो योजना है ये सब क्षेत्र गवर्नमेंट राज्य सरकार मिल के योजना हो सकता है 50-50 रेशियो में, तो उसको जैसे हम लोग इस टाइप के महिला को हम लोग सेफ गार्ड दे सकता है, तो ये अभी प्रावधान है, इस टाइप का योजना है। देखिए, मैं उनको भी बताया इस विषय को लेकर मैं राजनीति करने के लिए नहीं आया है, समाज के सुधारने के लिए, समाज को लोगों को भला करने के लिए हम लोग सब मिल के एडमिनिस्ट्रेशन और प्रशासन कमीशन एक साथ काम करेंगे तो इस वर्ग को बहुत सारा सुविधा होगा, उस लोगों को न्याय मिलेगा, जो काम करने के लिए माननीय राष्ट्रपति जी ने हम लोग को बैठा था ये काम हम लोग अच्छा से कर पाएंगे। ये आयोग की कार्यकक्षा सिर्फ सुनवाई करना इतनी मर्यादित है कि अनुसूचित जाति के लिए जो केंद्रीय योजना है वो किस प्रकार से उसका ये होता है इम्प्लीमेंटेशन, वो भी हम लोग को देखने का अधिकार है। देखिए, अभी स्टेट गवर्नमेंट का रिव्यू चालू किया है, हमारा कमीशन में 4 लोग है, माननीय चेयरमैन साहब मैं और हमारा 2 मेंबर, एक उत्तर प्रदेश से डॉक्टर अंजू बाला, महाराष्ट्र से 1 मेंबर है सुभाष पारदी। तो ये स्टेट वाइज डिविजन होता है, हम लोग हमारा कितना स्टेट है सब डिविजन। अभी क्या कर रहे हैं हम लोग, बहुत दिन से नहीं हो रहा है, स्टेट वाइज हम लोग रिव्यू कर रहे हैं, रिव्यू मीटिंग कर रहे हैं, उसमें चीफ सेक्रेटरी DGP कितने एट्रोसिटी मामला दर्ज हुआ, कितना आप लोगों ने इसमें फाइनलाइज किया है, तो ये सब लिख के हम लोग रिव्यू कर रहे हैं। अच्छा, तो रिव्यू में क्या होता है, रिव्यू में पूरा क्लियर पिक्चर आ जाता है कि गवर्नमेंट का जो पॉलिसी होता है 15% रिजर्वेशन पॉलिसी एससी के लिए आप लोग कैसे कैसे पालन किया है, उसका जो फंड आता है फंड ठीक से यूटिलाइज हुआ कि नहीं, ये सारे चीज देखने का अधिकार कमीशन के ऊपर है, कमीशन का ऑब्जर्वेशन में उनका गाइडलाइन में हम लोग को देता है और लोग ये करता है, इसमें इस वर्गों का लोगों को सुविधा होता है। एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा कि देश की आजादी का 75वां साल हम लोग अगले साल सेलिब्रेट करने वाले 2022 में, ठीक है, तो कई सरकारें आई गई कई पक्षों की सरकारें आई, लेकिन अनुसूचित जाति का जो आर्थिक स्तर है या सामाजिक स्तर है उसमें बहुत कुछ सुधारणा हुई ऐसा लगता नहीं है। तो ये मोदी जी के टेन्योर में पिछले 7 साल में इसमें कुछ विशेष इम्प्रूवमेंट हुआ है नहीं हुआ है, उसके बारे में बताइए। देखिए, अभी ये विषय बहुत वितर्कित विषय है, लेकिन तब भी मेरा जो अनुभव है, मेरे जो लगा है, ये जो रिजर्वेशन पॉलिसी से शुरुआत हुआ था, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जो सपनों था कि देश के एक पिछले वर्ग का लोगों को पूरा बराबर लाने का, क्योंकि शरीर में एक हाथ पैर हो सकता है, इसका अगर कोई अंग पतंग अगर दुर्बल हो जाता है तो वो शरीर अच्छा नहीं चलता है, तो देश के लिए भी एक बहुत बड़ा
अंश अगर इसमें दुर्बल हो जाता है सामाजिक अर्थनैतिक सब क्षेत्र में, तो इसको थोड़ा सा टाइम के लिए, एक पीरियड के लिए, टेम्पररी पीरियड के लिए इसको एक रिजर्वेशन पॉलिसी का अंडर में लेके इसको अपलिफ्ट करने से पूरा समाज सुधर जाएगा, देश आगे बढ़ेगा, यही मोटो था। लेकिन दो बहुत अस्पष्ट बात मैं करना चाहता हूँ, पिछले जितने गवर्नमेंट था इसी के आधार पर मोदी जी के आने से पहले, सारे ज्यादा से ज्यादा गवर्नमेंट लोग ये रिजर्वेशन पॉलिसी को ठीक से इम्प्लीमेंट नहीं किया है। इसका उद्देश्य एक पॉलिटिकल था इसके अंदर में, कुछ कुछ लोगों का सोच ऐसा था जो रिजर्वेशन पॉलिसी हम लोग को दिया है वो जैसे दया भिक्षा लेके इस श्रेणी का लोग बचेगा, हम लोग तो दे दे रहे, तो इसी टाइप का मानसिकता था। लेकिन पिछले अटल बिहारी की वाजपेयी जी के समय से शुरुआत किया था, उस टाइम से थोड़ा बहुत सारे पॉलिसी निकला। अभी हमारा मोदी जी का आने का बाद इस सेक्टर में इतना काम चल रहा है, इतना काम चल रहा है, अगर ये ठीक से हर स्टेट लेवल से इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा तो मेरे को लग रहा है कि दस साल बाद में मुझे अभी संविधान में जो रिव्यू होता है उसके अंदर में एक परिकाठम आ जाएगा जी कितना परसेंट लोग अभी इम्प्लीमेंट हुआ इससे अभी जो, तो एक टाइम से मेरे को लगा इस तरीके के ठीक से एकदम ग्रास रूट स्तर पर ये सुविधा चला जाएगा तो एक दिन लगेगा ये गरीब अनुसूचित जाति वर्ग को दया भिक्षा लेने का, संरक्षण लेने के बसने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा अगर इस सब चीज एक जगह में आ जाएगा। ये मेरे को लगा है, प्रधानमंत्री ने ये सपन देखा है जो एकदम ग्रास रूट स्तर पर लोगों को गवर्नमेंट का सुविधा पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, अगर इम्प्लीमेंट होता तो एक दिन देश बहुत आगे जाएगा। बहुत बढ़िया अरुण जी, आप न्यूज गंगा के स्टूडियो में आए और आपके शेड्यूल को एडजस्ट करके आपने हमको इतना अच्छा एक साक्षात्कार दिया, इसके लिए न्यूज गंगा की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नमस्ते।